सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, हाथी के दांत की तस्करी कर ले जा रहे चार तस्करों को तमंचा सहित किया गिरफ्तार। जालौन रेधर पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह पुलिस बल के साथ गश्त पर थे, तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि करहियापुर मोड़ पर एक चार पहिया गाड़ी में कुछ लोग तस्करी का माल लेकर जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने सूझबूझ के साथ घेराबंदी करके चार लोगों की गाड़ी सहित पकड़कर थाने ले आए। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि अंतरजनपदीय चार तस्कर उधव प्रसाद गुप्ता, आमीन उर्फ पप्पू, शकील, मुस्ताक के पास से 16 किलो हाथी के दांत, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,10,00,000 रुपए कीमत बताई जा रही है, जो अवैध तरीके से तस्करी करने के लिए लेकर जा रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। जिनके कब्जे से 1 अदद लोहे की आरी, 4 अदद मोबाइल फोन, 1,24,000 नकद रुपया, 1 डिजायर गाड़ी नंबर UP90P8788 अभियुक्तों से बरामद हुई है। अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है तथा इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, जिनकी इस तस्करी में संलिप्तता है। क्या कीमत है इनकी और इनका कितना उपयोग होता है? देखिए, कल चेकिंग के दौरान थाना रेंजर क्षेत्र में सूचना मिलने पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन चारों लोगों से लगभग 16 किलो हाथी के दांत बरामद हुए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1,10,00,000 रुपये बताई जा रही है। और इसके अलावा 80,000 गाड़ी बरामद हुई है, 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, लगभग 1,24,000 रुपये बरामद हुआ है। और इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें ये हाथी दांत है काफ़ी बहुमूल्य माना जाता है और ये कुल 16 किलो के करीब में इसका वजन है जो बरामद करते हुए इनको गिरफ्तार कर दिया। कहाँ के रहने वाले थे? इसमें दो व्यक्ति बनारस जनपद के रहने वाले हैं, एक उद्धव प्रसाद गुप्ता और दूसरे का नाम है अमीन प्रिया सिंह, ये दोनों बनारस रहने वाले हैं। एक व्यक्ति हमीरपुर का रहने वाला है, शकील कबीर, और दूसरा मुस्ताक, ये पांडा के रहने वाले हैं। एक अभी इन चूँकि इनकी गिरफ्तारी हुई है और उनसे ही बरामद हुई है, इसके बाद अयोध्या में इनकी आपराधिक इतिहास की जानकारी दी जाएगी और इनके आगे के नेटवर्क जानकारी की जाएगी कि कहाँ इसके कहाँ पर करने जा रहे थे, कहाँ से ला रहे थे, क्या किसी और कौन कौन संलिप्त हैं और इस तरह से इसकी उनके खिलाफ विस्तृत कार्यक्रम।